गुजरात रो केवाड़िया ठारे आयोजित पश्चिमांचल कुलपति सम्मेलन में केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जोग देते। उक्त सम्मेलन में से भारतीय भाषा, भारतीय ज्ञान परंपरा, दक्षता एवं रोजगार और उद्यमिता शिक्षा जातीय शिक्षा नीतिर प्राथमिकता विषय जनाइले। केन्द्र शिक्षा और दक्षता विकास एवं उद्योगी मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान मुख्य अतिथि भाव में जातीय शिक्षा नीति 2020 कार्यकारिता उपरे पश्चिमबंगर उपकूलपति सम्मेलन को संबोधित करते। यह सम्मेलन में गुजरात मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च और वैषयिक शिक्षा आईन न्याय विधानसभा एवं संसदीय मंत्री गुजरात सरकार श्री ऋषिकेश पटेल राज्य मंत्री संसदीय व्यापार प्राथमिक माध्यमिक एवं वयस्क शिक्षा उच्च शिक्षा गुजरात सरकार श्री प्रफुल्ल पानसेरिया जोग देते। यह कार्यक्रम को संबोधित कर श्री प्रधान गुजरात सरकार एवं बड़ोदार महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय को नेट 2020 ग्राउंड कार्यकारिता को त्वरान्वित करने प्रथम जोनल स्तरीय सम्मेलन आयोजन कर प्रशंसा कर श्री प्रधान कहते जे जातीय शिक्षा नीतिर कार्यकारिता माँ गंगाकूल काशी शिक्षा समागम आरंभ हो माँ नर्मदा पादेश आयोजित एक जोन सम्मेलन पर्यंत प्रस्तुत होता पारस्परिक आभिमुख्य रोडमैप एवं रणनीति भारत उज्ज्वल भविष्य गढ़ निर्णायक भूमिका ग्रहण कर। यह जोनाल सम्मेलन प्रभावशाली जातीय शिक्षा नीतिर कार्यकारिता मध्यम एक नूतन संस्कृति एवं बहुमुखी शिक्षा मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एक्जिट सहित समस्त सामान सुजोगर विकास मार्ग प्रशस्त कर। भारतीय भाषा, भारतीय ज्ञान परंपरा, दक्षता, रोजगार एवं उद्योगी शिक्षा नेप्र प्राथमिक क्षेत्र अटे। से निजर खुशी व्यक्त कर जोनाल सम्मेलन नेप्र अनेक प्राथमिक क्षेत्र उपरे विशेष भाव शिक्षार गुणवत्ता शिक्षा क्षेत्र में स्किल इकोसिस्टम शिक्षा अनुसंधान नूतनत्व एवं शिक्षा क्षेत्र में उद्योग भारत ज्ञान परंपरा एवं आंतर्जातीयकरण उपरे विचार कर। से आशा करते यठार उत्पन्न पद्धति चिंताधारा एवं रोडमैप सर्वोत्तम अभ्यास एवं केस स्टडी एक मिश्रण में परिणत एवं नेप कार्यकारिता एक समान आभिमुख्य रास्ता खोलने कॉलेज स्तर में पास। यह अवसर में श्री धर्मेन्द्र प्रधान केवाड़िया प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिदर्शन करी कहते जे सौभाग्यवशतः से आसुवा गड़जात अंचल ढेकाना सर्दार वल्लभ भाई पटेल दूरदृष्टि कारण भारत में मिशी पारिता। मैं इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र में आके खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं मानता हूँ 21वीं सदी के नया भारत में जो कुछ बड़े बड़े उपलब्धि हुई है, सबसे बड़ा उपलब्धि, सबसे बड़ा स्मारक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी के प्रेरणा के स्रोत सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस स्मारक को बना के एक कृतज्ञ देश की ओर से, राष्ट्र की ओर से उनको श्रद्धांजलि दिया है। मैं जिस जगह से आता हूँ वो संयोग से एक प्रिंसली स्टेट था, एक राजवाड़े था। आज सरदार जी के दूरदृष्टि के कारण मेरे जन्मभूमि भी भारत की अभिन्न हिस्सा बन पाया है। मैं इसीलिए व्यक्तिगत रूप में मेरे मातृभूमि की, मेरे गांव वालों की ओर से मैं सरदार जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश को एक अनोखा स्मृति दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उड़ीसा।